हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका youtube.com/mdmudassiralam चैनल पर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को आप इंग्लिश ऑडियो के साथ मेरे ऑल्टरनेट चैनल youtube.com/careermaster पर देख सकते हैं। यू कैन वॉच दिस वीडियो विद इंग्लिश ऑडियो ऑन माई ऑल्टरनेट चैनल youtube.com/careermaster चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप में से कई लोग डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है CUET PG 2022 के ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त। हालांकि इस सवाल का मैंने जवाब 50 फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में दिया है, लेकिन शायद आपने मिस कर दिया है, आपने पूरे वीडियो को देखा नहीं है। आगे वीडियो में सारी बातें होंगी, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। सवाल है कि CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट जो कॉमन एंट्रांस टेस्ट हो रहा है, उसके पोस्ट ग्रेजुएट पीजी लेवल के कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। आपको यह बता दें, एक अच्छी खबर है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, फिलहाल आपको सिर्फ स्कैन सिग्नेचर जो साइज दिया गया है उस सिग्नेचर को अपलोड करना है, और साथ ही साथ आपके फोटोग्राफ जो कलर्ड फोटोग्राफ है, जो साफ रिसेंट फोटोग्राफ है, उसको स्कैन कर आपको जहां जगह दी गई है वहां अपलोड करना है। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, चाहे वो मार्कशीट हो, चाहे वो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे दूसरी कोई भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है। फिलहाल अगर डिटेल्स मांगा गया है जिस फील्ड में, उन डिटेल्स को आप फिल कर दें, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। तो वो लोग जो कंफ्यूज थे, इधर उधर देख रहे थे कि क्या करें, डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास फिलहाल, तो हम क्या करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी होगी, तो आप परेशान ना हो, बिल्कुल आप चिल करें, आराम करें। हाँ ठीक है, एग्जाम जुलाई के आखिरी हफ्ते में हो सकता है, तो उस वक्त या फिर जब रिजल्ट आ जाए उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। अगर आप किसी एग्जाम में क्वालिफाइंग एग्जाम में अपियर भी हो रहे हैं या अपियर नहीं भी हुए हैं, तो आपको इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइनल डॉक्यूमेंट्स आपको जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग पेज में जाकर अप्लाई करेंगे वहां पे फाइनल डॉक्यूमेंट माना जाता है, तो उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है, यूनिवर्सिटी आपको 1 से 2 महीने का टाइम देती है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के बाद भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करने का। तो आप फिलहाल परेशान ना हो, अपना पूरा फोकस आप दें CUET PG की तैयारी में, और उससे पहले आप फॉर्म को जरूर भर लें। 18 जून 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं CUET NTA के वेबसाइट पर जाकर, पोर्टल पर जाकर। लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहें, CUET PG के रिगार्डिंग या फिर UG के रिगार्डिंग आपको लेटेस्ट जानकारियां, लेटेस्ट अपडेट्स यहां मिलती रहा करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे ज्यादा बूस्टअप मिलता है, मोरल बूस्टअप मिलता है ज्यादा से ज्यादा वीडियोस करने के लिए। साथ ही साथ बेल का आइकन को जरूर दबा दें, ताकि कोई भी नई वीडियो, कोई भी नई अपडेट मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर CUET 2022।